गाइज वेलकम टू टुडेज व्लॉग। मैं हूँ यूनाइटेड ऑटोमोबाइल महिंद्रा के ये डीलरशिप है फरीदाबाद में। कार मेरे साथ आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, महिंद्रा XUV 500, ये W7 वेरिएंट है। इसमें लगी है कुछ एसेसरीज, तो पहले तो मैं आपको यहाँ के एसेसरीज के जो हेड हैं उन सर से मिलवाता हूँ, मिस्टर योगेश सर। तो सर आएँ थोड़ा सा गाइड करें। हेलो महिंद्रा, नमस्कार। जैसा कि अभी साथ में मेरे साथ खड़े हैं समीर जी, तो W7 वेरिएंट का हम वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें कि हमने काफ़ी सारी एसेसरीज फिटमेंट करी है जी। उसको हमने टॉप मॉडल बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रंट जो व्यू है उसका W7 वेरिएंट का जी, उसमें हमने यहाँ पे फॉग लैंप लगाया है विद क्रोम बेजल। तो ये जो एसेसरीज गाइज आप देख रहे हो, ये आपको महिंद्रा की तरफ से ऑफर होती हैं, काफ़ी अच्छी डील मिल जाएगी। सर का कॉन्टैक्ट आपको स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनको कॉन्टैक्ट करें, मेरा नाम लें, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी। फिटमेंट आप देख सकते हो जो फिट एंड फिनिश है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लग रही जो ऐसा लग रहा है कि उसकी जो चीज़ें हैं वो रफ सी लग रही हैं। काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें फिनिशिंग जो आई है काफ़ी अच्छे से आई है। सर की सारी नज़रों में ये काम हुआ है, तो सर धीरे धीरे बताते हैं हमें। फर्स्ट थिंग तो सर ये कि इसमें फॉग लैंप लगे हुए हैं, ये वाले फॉग लैंप लगे हुए हैं, लाइक टॉप मॉडल वाले जो फॉग लैंप आते हैं वही हमने लगाई है, विद क्रोम बेजल के साथ लगाया है, जो टॉप मॉडल में एज इट इज आता है जी। और अगर इस तरफ देखें तो इसमें आपको स्टील व्हील मिलते हैं विद व्हील कवर। तो कार की बात मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले हम एसेसरीज देख लेते हैं, फिर मैं आपको कार की चीज़ें दिखाता हूँ कि कार में क्या क्या आता है। फिर आप ये देख सकते हो कि फुटस्टेप लगा हुआ है, ये महिंद्रा की तरफ से आता है। आप देख सकते हो जो बिल्ड क्वालिटी है या जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी सी लग रही है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसमें फिनिश है, साइड फुटस्टेप लगा है, इजी टू एंट्री और एग्जिट के लिए, जैसे कि घर में हमारे साथ में बच्चे भी होते हैं और एल्डर्स मदर फादर भी होते हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पे साइड फुटस्टेप लगाया है। इजी टू एंट्री और इजी टू रिमूव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जैसा कि तो आप देख सकते हो। अगर इस पर मैं खड़ा भी हो जाऊँ तो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, कोई भी यहाँ पे इशू नहीं आएगा आपको। साथ में हमने यहाँ पे फुल लेमिनेशन फ्लोरिंग दी है क्योंकि ईजी टू क्लीन होता है, क्योंकि कारपेट मैटिंग है उसको आप वैक्यूम करेंगे काफ़ी उसमें मेहनत लगती है और हार्ड टू क्लीन होता है, और यहाँ पे इजी फ्लोरिंग लेमिनेशन फ्लोरिंग है, इजी टू क्लीन है और तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये चीज़ आप देख सकते हो जो इसकी फिनिश है वो कुछ इस तरीके से, आप इस पर हल्का सा कपड़ा भी मारोगे गीला करके तो ये चमक जाएगी। टॉप मॉडल वाले डिज़ाइन के ओई डिज़ाइन के सीट कवर फिक्स किए हैं, ये देख सकते हो, आप देख सकते हैं W11 वाले बकेट फिटिंग, बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग है, काफ़ी सुंदर लगता है, गाड़ी की इंटीरियर काफ़ी इन्हेंस हो जाती है यहाँ पे हमारी। तो ये आप पीछे से भी देख सकते हो जो फ्लोरिंग है कितनी बढ़िया तरीके से करी गई है, ये जो फिनिश आ रहा है यहाँ पे, कोई भी आपको ऐसा रफ एज कोई कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सीट कवर की बात करूँ तो इसकी जो कुशनिंग है वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रही है। अगर थर्ड रो में हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से है, बाकी स्पेसिंग वगैरह की मैं बात करूँगा कि कैसे है बैठने में, बट पहले आप एसेसरीज देख लो कि कुछ इस तरीके से, और ये आपको कुछ फोल्डिंग ऑप्शन मिल जाता है, और ये आपका कुछ हेडरेस्ट, काफ़ी प्रीमियम सा फील दे रहा है ये। हमने रिवर्स कैमरा दिया है पार्किंग असिस्ट के लिए क्योंकि काफ़ी, तो पीछे की तरफ आपको चार सेंसर मिल जाएंगे, और ये कैमरा आप देख सकते हो ये महिंद्रा की तरफ से लगा हुआ है एज एसेसरीज में। तो की क्वालिटी दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से इसमें फिनिशिंग आ रही है। तो अभी मैं कार के अंदर आ गया हूँ, और ये आप देख सकते हो कि सर अभी रिवर्स में डालें, तो ये चीज़ आप देख सकते हो पीछे ये बोर्ड लगाए, तो कंफ्यूज मत होना कि क्या आ रहा है बीच में। तो इसमें आपको गाइडलाइंस भी आ रही हैं, अगर स्टीयरिंग सर इधर उधर करें तो एडप्टिव आती है। अच्छा, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सही सी लग रही है, कार थोड़ी आगे जाएगी और तो डिस्टेंस भी बताता है ये। तो ये आप देख सकते हो अभी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, और इसमें आपको काफ़ी, ये देखो आप सेंटीमीटर के, ये 97 सेंटीमीटर कह रहा है कि आप दूर हो टच होने से, तो यहाँ पे आपको ये रिमाइंड कर जाएगा जो कि एक अच्छी चीज़ है। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद मैं अभी कार के बाहर आ गया हूँ, तो अब कैमरा हमने कवर कर लिया, उसके बाद सर से पूछते हैं कि रेन वाइजर हमने यहाँ पे लगाए हैं, रेन वाइजर लगाए हैं जैसे कि आप बाहर रेन होती है तो उसका भी आप, तो ये चीज़ आप देख सकते हो ये महिंद्रा की तरफ से है, यहाँ पे आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से इसको लगाया गया है, कोई भी यहाँ पे ऐसा
क्वालिटी में इशू नहीं आएगा, आपको देख के आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ ये लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है ये कंपनी की तरफ से आ रहा है और महिंद्रा खुद इसको दे रही है लगा के, तो ये एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे विंडो लाइन क्रोम दिया है जो कि टॉप मॉडल वेरिएंट में आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, कंपनी का महिंद्रा जेन्युइन आपको विंडो लाइन क्रोम मिल रहा है यहाँ पे, एक्सटीरियर की लुक को इनहेंस करता है यहाँ पे काफ़ी अच्छा, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। अगर कार को आप यहाँ से देखोगे तब आपको इस चीज़ की पता लगेगी ये क्या है और इसका जो लुक आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। बाकी आपको एक 360 में लुक दे देता हूँ कार का कि कैसी लग रही है। तो ये कुछ फ्रंट का लुक है और ये कार की आज डिलीवरी होने वाली है इस तरीके से, एक ये वाली चीज़ हो गई, एक ये हो गई और ऊपर ये क्या था, ये रेन वाइज़र हो गया, एक आपका ये कैमरा हो गया, रियर कैमरा हो गया और सीट कवर हो गया इंटीरियर में। तो ये चीज़ें हैं जो कार में करी गई हैं एज एसेसरीज़। लास्ट में मैं आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा और ये आप देख सकते हो जो सर ने फ्लोरिंग बताई थी, क्या नाम बताया था, फुल लेमिनेशन फ्लोरिंग बताई थी एक ये चीज़ है। तो टोटल आई थिंक 7 हो गई 8 हो गई 7, तो टोटल 7 चीज़ें हो गई जो कार में एज एसेसरीज लगी हैं। तो सर लोगों को अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बाहर से करवाने में अच्छा है, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा आप महिंद्रा से करवाओ क्योंकि यहाँ पे आपको वो एक भरोसे वाली चीज़ मिलेगी, क्योंकि आप कंपनी से ले रहे हो और आप गाड़ी के साथ ही ये चीज़ लो तो अच्छा है। तो थोड़ा प्राइसिंग वगैरह का बताएं सर। प्राइसिंग जैसा कि महिंद्रा की जो प्राइसिंग है, साइड फुट स्ट्रैप का जो प्राइस है वो 11,000 rupees है विद फिटमेंट चार्जेस, ठीक है। जैसा कि टॉप मॉडल वाले सीट कवर हम देख रहे हैं, W11 ऑप्शनल वाले सीट कवर हैं जो कि उसकी विद बकेट फिटिंग चार्जेस जो है हमारा कॉस्ट है 13,000 rupees। ओके, डोर वाइजर जो आप लगवाते हैं इसमें 1500 कॉस्ट करता है आपको विद महिंद्रा जेन्युइन प्रोडक्ट है ये सारा। विंडो लाइन क्रोम जो है इसमें जो क्रोमिंग है एक्सटीरियर में जो विंडो पे हमने पेस्ट किया है W11 ऑप्शन में मिलता है जो आपको टॉप मॉडल में, उसका जो कॉस्ट है वो है 3,300। ओके, साथ में जो आपके फॉग लैंप है यहाँ पे हमने बहुत सुंदर फॉग लैंप लगाए हैं विद क्रोम इंसर्ट्स के साथ, ये आप देख सकते हो भाई, उसका कॉस्ट है ओनली 5,000 rupees। ओके, रेयर में हमने कैमरा फिक्स किया है जो पार्किंग असिस्ट के लिए, इसका कॉस्ट है 3,500 rupees। तो ये आप देख सकते हो ये 3,500 rupees का है क्योंकि आपको महिंद्रा की तरफ से ऑफर हो रहा है। सारे प्रोडक्ट्स कपलर टू कपलर फिटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं सारी और कोई भी वायरिंग के साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। तो यही है कि आपकी वारंटी एज इट इज़ मिलती है आपको महिंद्रा के साथ और एक भरोसा भी मिलता है और क्वालिटी भी मिलती है। तो कई लोगों को जो वायरिंग का इशू रहता है कि बाहर से करवाएंगे या वायरिंग में कुछ हो जाएगा तो फिर वो महिंद्रा की तरफ से रहे, तो आप ये चीज़ कंपनी से ही करवाओ। सर आपको खुद कह रहे हैं कि ये कपलर टू कपलर फिटिंग है, कोई भी यहाँ पे आपको वायरिंग में इशू नहीं होगा, तो वो एक चीज़ है। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई होगी, 45,000 rupees। तो ये जो भी एसेसरीज लगी है इसकी टोटल कॉस्टिंग 45,000 rupees है। अब इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट आ रहा है स्क्रीन पे, सर से कॉन्टैक्ट करो मेरा नाम लेना, तो वो एक यहाँ पे चीज़ होने वाली है। बाकी मैं आपको यूनाइटेड ऑटोमोबाइल शोरूम का कॉन्टैक्ट और एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे आ सकते हो, कोई भी महिंद्रा की कार देख रही है तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।